नमस्कार, BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबर। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में रात के अंधेरे में निकलने में राहगीरों को लगता है डर। शोपीस बने लाइट के खंभे, घटना दुर्घटना का इंतजार नगर पालिका की बड़ी लापरवाही। शिकोहाबाद नगर के माधवगंज रेलवे ओवरब्रिज, जिस पर नगर पालिका द्वारा लाइट लगवाई, लाखों रुपए का सरकारी धन खर्च हुआ, कुछ समय बाद लाइट खराब हो गई, खंभे शोपीस बनकर रह गए। कई बार एक्सीडेंट हुए कई, लेकिन नगर पालिका के कानों में जू तक नहीं रहेंगी, इस और कुछ ध्यान नहीं दिया। नगर पालिका की लापरवाही का शिकार ओवरब्रिज की लाइट खंभे है, लेकिन शोपीस है। आखिर इस और कब इस नगर पालिका का ध्यान आएगा? ये जो पुल बना है यहाँ पे जो लाइट लगी, ये लाइटें कब से जल रही हैं? एक साल है गई, तो महीना जलती नहीं लाइटें। आई समय घटना ये होती रहती है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं नगर पालिका की, लाइटें लगी हुई हैं। और यहाँ पे आए समय पे यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं, सड़क खराब है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मतलब और आए समय घटना होती रहती है, लड़कियों की है और एक्सीडेंट होते रहते हैं, लूट मार होती रहती है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। बताते हैं प्रशासन को, सबको, कोई सुनवाई नहीं भाई साहब, और बोलते हैं तो उनका लठियाते मार। करीब एक महीना हो गया, जल्दी नहीं रही है बिल्कुल भी। और यहाँ पर एक्सीडेंट और लूट होती रहती है अक्सर, यहाँ पर आने जाने में डर तो रहता ही है। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में चेकिंग के नाम पर मोपेड सवार रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी से लूट 25,350 रुपए, आधार कार्ड, मोपेड की चाबी लेकर फरार। पीड़ित ने दी थाने में तहरीर, पुलिसकर्मी बन ली जमात तलाशी। थाना क्षेत्र शिकोहाबाद के सुभाष तिराहा ओवरब्रिज पर श्री कृष्ण पुत्र देवजीत निवासी नगला धर्म था सिरसागंज, जो रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी है। गांव से सुबह फिरोजाबाद मोपेड़ से जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति आया और बोला आपने हेलमेट नहीं लगाया। तभी श्री कृष्ण ने वो मास्क लगाया है, इस पर उस व्यक्ति ने अपना परिचय पुलिसकर्मी के रूप में दिया और बोला तुम नशीला सामान ले जा रहे हो, और तलाशी ली। श्री कृष्ण की जेब में रखी 25,350 रुपए, आधार कार्ड और मोपेड़ की चाबी लेकर फरार हो गयी। पीड़ित ने डायल 112 पर सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। पीड़ित अपने पुत्र और पुत्रवधू के पास सेक्टर नंबर 3 सुहागनगर जा रहे थे। पीड़ित की पत्नी पुत्रवधू शिक्षिका है, पुत्र इंजीनियर है, जो फिरोजाबाद सेक्टर 3 सुहागनगर में रहते हैं। श्री कृष्ण जी, आप क्या काम करते थे जी? क्या घटना हुई आज आपके? आज हमारे यहाँ एक पुलिस वाला बंद हमारे को रोका, और रोक के हमारी नंबर आ रही थी कि तुम हेलमेट नहीं लगाई हो, तुम नशीला पदार्थ रखती हो, तो उसने नंगा जा रही थी हमारी 350 रुपये निकाल दी, एक मोह को आधार कार्ड और व्यक्ति की चाबी दी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम गांव से नगला धर्म से सेक्टर नंबर 3 में जा रहे थे। माँ कोई काम था क्या? मेरा लड़की का बहुत मकान भर रहा है। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से शुभम जादौन के साथ रिहान अली की रिपोर्ट। हाथरस के रायपुर बझेरा में कोरोना महामारी को देखते हुए हजरत चांद मियां कादरी धर्मगुरु मदरसा गुलशन बरकत रायपुर बसेरा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस साल भी ईद की नमाज घर पर ही अदा करें। कोरोना महामारी के COVID-19 को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही मास्क का प्रयोग अवश्य करें। अपने आसपास के गरीब तबके के लोगों की ज्यादा से ज्यादा खैरत ज़कात तस्कीम करें, जिससे कि उनकी भी ईद बन सके। ईद मनाने से कोई महरूमा ना रह पाए, एक बार फिर अपील करते हुए अपने ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखें। मैं हजरत चांद मियां कादरी मुस्लिम धर्मगुरु। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूल करीम। तमामी आलम इस्लाम से मैं गुजारिश करूँगा कि आप तमामी लोग जो गाइडलाइन आई है ईद के मुतालिक या कोरोना वायरस के मुतालिक, उसका ख़ास कर ध्यान दें। ईद की नमाज की बजाय अपने घरों पर ही चाश्त की नमाज़ अदा करें और अल्लाह का रसूल का ज़िक्र करें। बिलखसूस इस वक्त जो महामारी का आलम चल रहा है उसका ख़्याल रखें। पिछले साल से ज़्यादा इस साल अमवात का सिलसिला जारी है, लोग परेशान हाल हैं, उनका बग़ैर
कोई धर्म देखे हुए उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, वो किसी भी मज़हब का हो उसका ख्याल रखें। यही इस्लाम की सच्ची तालीम है। और ईद पर ईदगाह के बजाय अपने घरों पर नमाज पढ़ें और अल्लाह के रसूल का जिक्र करें। BCN न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ की थाना देहात क्षेत्र के मुरादापुर में रिश्तों का कत्ल कर देने का मामला सामने आया है, जिसके साथ सात जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई उसी ने मामूली विवाद के बाद अपनी पत्नी की कैंची के हथियार बनाकर हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ में जुटी है। बहन में आपस में बेबी में लड़ाई हुई थी जी, मैंने अपने भाई को 2-3 थप्पड़ मारे, पीटा उसे, समझा को बाहर भेज दिया। आधे पौन घंटे बाद में मैं जैसे वापस आया तो इसने कैंची लेकर अपने जो अपनी घरवाली को मार दिया। झगड़ा जी दोनों बेबी में हो रहा था। इनमें देहात क्षेत्र के ग्राम मुरादपुर से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को कैंची से घायल कर दिया गया है। घायल महिला की अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई करी जा रही है। BCN न्यूज़ के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। आइए अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बेमेतरा जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम ओटीबन में 5 से 7 परिवार लोग अपना पुश्तैनी धंधा कुम्हारों ने अपनी बीती व्यथा बताते हुए इस कोरोना काल में अपना जीवन की परेशानी हमारे साथ साझा की। लॉकडाउन ने कुम्हारों की आजीविका पर पानी फेर दिया है। कुम्हार लॉकडाउन में मुफलिसी का दंश झेलने को मजबूर है। 1.5 साल से लॉकडाउन के बाद कुम्हारों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह गड़बड़ गई है। पौराणिक व पारंपरिक व्यवसाय अपने सिद्धहस्त से मिट्टी से अनेक रूप गढ़ने वाले कुम्हार बेमेतरा से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम ओटेबन में 7 परिवार निवासरत है, जो अब भी पुश्तैनी धंधे में जुटे हुए है। पुश्तैनी धंधे से ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। खासकर ऐसे लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और बेचते हैं, वे अब लॉकडाउन में असहाय हो चले हैं। लॉकडाउन में 1 रुपए की कमाई भी नहीं हो पा रही है। दुकानें पूरी तरह बंद है। दुकानों के बंद रहने से उनके मिट्टी के बर्तन, मटका, घड़ा, कलोरी, चुकिया, गुल्लक, सुराही, दिया, गुलदस्ता, कैंडल लैम्प, घोड़ा, हाथी नहीं बिक पा रहे हैं। कुम्हार घड़ा, मटका, मिट्टी के बने इत्यादि सामान बेचकर साल भर की कमाई करते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन के चलते धंधा पूरी तरह चौपट है। कुम्हारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते कुम्हारों कुम्भकारों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है। परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। परिवारों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुम्हारों ने बड़े अरमानों से मिट्टी के बर्तन तैयार कर बेचने के सपने संजोए थे, उस अरमानों को लॉकडाउन ने तोड़कर रख दिया है। नवरात्रि पर्व जोत जमवारा के लिए कलश मिट्टी से ही कुम्हारों द्वारा ही निर्मित किया जाता है। हिंदुओं का पर्व अक्षय तृतीया इस पर्व के लिए मिट्टी से बने ठंडे पानी के लिए मंदिरों में चढ़ाया जाने वाला कलसी व वैवाहिक कार्यक्रम में मंडप में रखे जाने वाला कलश सहित गर्मी में ठंडे पानी के लिए उपयोगी कलसी भी इस वर्ग की देन है। कुम्हारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन द्वारा आर्थिक लाभ का जरिया बनता है, जिससे वे अपने पारिवारिक जीवन की गाड़ी चलाते हैं। क्या तकलीफ है बताइए भाई? जो मिट्टी का धंधा करते हैं भाई, अब अपने जीवन यापन करा था ना। मन है यहाँ 5-7 घर के कुम्हार हैं और हम लोग कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवसाय मिल भी नहीं करते। हम यही स्थिति में गंभीर हवन हमारे पेट रोजी बहुत मुश्किल से चलत है और हमार कुम्हारी धंधा बिल्कुल लॉज हो गए है, चलबे नहीं करते। कलश की निर्माण भी एको कहीं कोई मंदिर में जले नहीं है ज्योति कक्षा और हमला जमीन के भी प्रॉब्लम है। जमीन आज तक के कम से कम 14-15 साल से केस लड़े, जीते के बावजूद भी किसान लोग जमीन हमला नहीं देवाते और पूरा वो जमीन में पूरा ओमन उगा था अपन फसल, इसलिए वो ज़्यादा परेशानी हम लोग। घड़ा बनावा था, घड़ा है बिकत नहीं है, 1.5 साल हो गए कोरोना में, अब वही तकलीफ है। सब घड़ा पड़े है और छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, कामें पालिन हम तो ये कल अगती है, कल अगती है तो कल ये घड़ा वगैरह भी बना के रखे हो? हाँ बनाया है, सब पड़े हैं सब।
अब वो कोनो लेवत नहीं है, नहीं आवत नहीं है कोरोना के मारे। अब यही तकलीफ सब हवा है। अब हमें कुछ सरकार कुछ दे दी, बाल बच्चा सब परिवार पाल लेते, ऐसे हमारा इरादा हवा है। BCN न्यूज के लिए बेमेतारा छत्तीसगढ़ से विजय देशलहरे की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण महामारी के चलते नगर में स्वयंसेवी वॉलंटियर्स के द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर समाज सेवा कर रहे हैं। स्वयंसेवी वॉलंटियर्स की नगर परिषद चौराहा, मदर छल्ला, राजवाड़ा, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व यातायात व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए कार्य किया जा रहा है। एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा ने स्वयंसेवी वॉलंटियर्स को प्रोत्साहन हेतु टी शर्ट भेंट की है। स्वयंसेवी वॉलंटियर्स फिरोज खान, संदीप कामले, महेंद्र साहू, आशीष उपाध्याय, सिद्धार्थ राणा, मोहित यादव, पीयूष यादव, प्रेम वर्मा, कपिल परमार, देवेंद्र परमार, परमानंद परमार, सनी यादव, जितेश सोलंकी, गजानन सोलंकी आदि थाना परिसर में सम्मान कर स्वयंसेवी वॉलंटियर्स के कार्य की सराहना की। इस अवसर पर पुलिस SDOP ब्रजेश सिंह कुशवाहा, थाना प्रभारी सिंह परमार, राहुल अग्रवाल पत्रकार, नेहरू युवा केंद्र एवं MBM क्लब की प्रमुख कमल सोलंकी अपनी टीम के साथ उपस्थित थे। सदस्य हैं और ये लगातार सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जान है तो जान है, उसकी धारणा को ये चरितार्थ करते हैं, लोगों की जान बचाने का काम। क्योंकि लोगों का मन होता है कि हम बाहर निकलें, और उस भीड़ को ये कंट्रोल करते हैं, ये बहुत ही पुनीत कार्य है। और इसलिए आज यहाँ थाना पर इनको थाना प्रभारी के द्वारा टी शर्ट देकर सम्मानित किया गया है। भविष्य में और भी हम इनको प्रमाण पत्र और कई जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो कई समारोह में हम इनके किए गए कार्यों के लिए इनको सम्मानित करेंगे। और हम इसी तरह से लोग कार्य करें और खुद भी सुरक्षित रह के दूसरों को सुरक्षित रखें, ये मेरी इनके लिए शुभकामना। BCN न्यूज के लिए देवास से अरुण उइके की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।